गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 17th चैप्टर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफ फिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैंगिंग डाटा. वी हैव लर्न इन क्लास 6 आल्सो अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय ग्राफ और बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ. Today we are going to discuss about bar graph, double bar graph, pie chart and histogram day by day, one by one. Start from first is bar graph exercise 17.1 question number 1. What is data? Data is a collection of information. कोई भी आपके पास data है, information है, अगर आप इसे graphical form में समझाना चाहते हैं किसी अनपढ़ इंसान के purpose से, किसी इलिटरेट पर्सन के पर्पस से, तो आप उसे ग्राफ की फॉर्म में बताएंगे. जैसे मैंने ग्राफ बनाया किसी परफॉर्मेंस का, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान उसे बता देगा कि पहले बच्चे ने पढ़ाई करना शुरू किया, फिर उसके अंदर डिक्रीमेंट आया, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ाई करते ही और उसके अच्छा स्कोर आता है. तो ये ग्राफ से हम इजीली बता सकते हैं कि मतलब क्या उसकी परफॉर्मेंस रही या ये परफॉर्मेंस का ग्राफ है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बड़ा आसान रहता है चीजों को समझना फिगर के कंपैरिजन में, डाटा के डिजिट के कंपैरिजन में. पहला स्टार्ट करते हैं अपने बार ग्राफ से. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 17.1 इन विच द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए डेली कंस्ट्रक्टेड बार ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा. तो आपको डाटा गिवन है, डाटा से आप आसानी से बता सकते हो कि किसके जो है न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा बिकते हैं. अगर आप बुक ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो न्यूज़पेपर है वो सबसे ज्यादा सेल होते हैं, जो कि 60 है. अगर हम इसका बार ग्राफ बनाए 60,000 है, क्योंकि 1000 के अंदर बिकता है. तो मेके वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी आपके पास काउंटिंग आएगी वो आप वर्टिकल लाइन में शो करेंगे. तो इधर आ जाएगा डेली सर्कुलेशन और यहां आ जाएगा न्यूज पेपर. तो जो जो न्यूज पेपर है कौन से है पहले न्यूज पेपर? सबसे पहले न्यूज पेपर है इंडियन एक्सप्रेस के. तो बार ग्राफ में अपनी जो गैप ले लेते हैं वो फाइव का ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. तो पहले जो आपके पास इंडियन एक्सप्रेस है उसके लिए 40 का रेशियो 40,000 न्यूज पेपर है. ये आ गया इंडियन एक्सप्रेस. बार ग्राफ के अंदर अगर आपको कुछ थोड़ा सा गैप छोड़ना होगा इक्वल साइज का, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की है 55, ये लिखिए 55 का रेक्टेंगल बना दिया हमने, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया कहां तक 55 तक. ये जो गैप मैंने रखा है ये हर बार इक्वल आना चाहिए, और जो रेक्टेंगल बनाए हैं हमने इनका भी जो गैप है विड्थ है ये इक्वल होनी चाहिए. हिंदुस्तान टाइम के है 60, ये है हिंदुस्तान टाइम्स. उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक्स टाइम उसके हैं 25, ये हो गया इकोनॉमिक्स टाइम्स. अपने इनको ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि चीज पता चल जाएगा कि कौन से ग्राम है. और इन द लास्ट आपके पास है पायोनियर उसके हैं 20. बड़ा ही आसान है, 7th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपने बनाए हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन में भी बार ग्राफ है, आप ट्राई करोगे. गैप आप 100 का चूज करना. थर्ड क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ है, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास सिंगल बार ग्राफ है, तो आप खुद बना सकते हैं. मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं.
डबल बार ग्राफ कैसे बनेगा? डबल बार ग्राफ का यूज हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं। जैसे स्कूल में क्लास के अंदर एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ दो सब्जेक्ट का, एक मैथ का और एक साइंस का, तो हम देखते हैं कि चाहते हैं कि कितने बच्चों के जो मार्क्स हैं मैथ में अच्छे हैं, कितने बच्चों के मार्क्स साइंस में अच्छे हैं, किनके जो है मैथ्स और साइंस में इक्वल आए हैं, या मैथ्स में कम साइंस में ज्यादा, या साइंस में कम मैथ्स में ज्यादा, दोनों में ज्यादा दोनों में कम, तो वो कंपैरिजन करने के काम आते डबल बार ग्राफ किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी डाटा का। क्वेश्चन नंबर 3, गैप हम चूज कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट है वो 40 है, ये हो गया एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट है 36, तो ये आगे ले जाएगा। दोनों साथ में बनेंगे, दोनों की विड्थ इक्वल रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, गैप भी दोनों की विड्थ में सेम रहेगा। उसके बाद देखिए 10-11, 2009 से 2010 था, ये 2010 से 10-11 था, 45 और 45 देखो मिड में आएगा, ये हो गया एक्सपोर्ट का, और 40 आ गई, ये हो गया इंपोर्ट का। तो इस तरीके से आपने दोनों को साथ में बनाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। डबल बार ग्राफ में देखो पता चल रहा है इस बार एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, इस बार एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, उसके बाद भी एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा। तो ये ग्राफ से पता चलता है कि हर बार जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है और जो इंपोर्ट हो रहा है वो कम हो रहा है। आसान है चीजें। उसके बाद आपके पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ऐसा हम एक्सरसाइज 17.2 के अंदर देखते हैं। हाँ जी, कैसे बनाएंगे इसको, क्या इसका प्रोसेस रहेगा? देखिए 17.2 एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द रिमाइंडर एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, यूज ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। उसके साइंस में है 120 मार्क्स, हिंदी में है 75 मार्क्स, मैथमेटिक्स में है 150 मार्क्स, इंग्लिश में है 105 मार्क्स और कंप्यूटर में है 90 मार्क्स, और जो टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन करे वो करे हैं 540। बनाना है इसका पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको पाई चार्ट कैसे, पाई चार्ट का मतलब होता है कि आपको एक सर्किल बनाना है। आपने देखा होगा कभी कभी जो ग्राफ होता है वो सर्किल की फॉर्म में भी शो करते हैं, जैसे सपोज ये साइंस का कॉलम आ गया, ये मैथ का कॉलम है, ये हिंदी का कॉलम है, ये इंग्लिश का कॉलम है, और ये एसएससी का कॉलम है। तो जिसका जो कॉलम है जो बड़ा होगा उससे पता चलेगा कि उसमें ज्यादा मार्क्स आ गए। अब ये बनाना कैसे होता है, सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करने पड़ेगी कि ये एंगल है कितने कितने के। तो स्टेप फर्स्ट में आपको करना पड़ेगा टोटल मार्क्स ऑब्टेन, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है इस बार 540, अगर नहीं गिवन तो हम प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सेंट्रल एंगल जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सबके लिए सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन में टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई में 360। जैसे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो साइंस में उसके सेंट्रल एंगल फॉर साइंस, साइंस के अंदर उसके मार्क्स आए 120 और टोटल मार्क्स जो आए हैं उसके 540 मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। 0-0 कैंसिल होता है, 18 की टेबल से 2 पे, 18 की टेबल से 3 पे, 3 की टेबल से 40 पे, 40 टू 80 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी 75 मार्क्स आए, 540 का ग्राम था, 360 से मल्टीप्लाई कर दो,
जीरो से जीरो कट, 18 की जगह से 2 पे, 18 की जगह से 3 पे, 3 से 25 पे, 25 में बचा 50 डिग्री। मैथमेटिक्स में आया 150 मार्क्स, मैथ्स 150 अपॉन में 540 इनटू 360, जीरो से जीरो कट, 18 की जगह से 2 पे, 18 की जगह से 3 पे, 3 की जगह से 50 पे, 50 टू द 100 डिग्री। और मैथ के बाद आ रहा है इंग्लिश में 105 अपॉन में 540 इनटू 360 डिग्री, जीरो से जीरो कट से 18 की जगह से 2 पे, 3 पे, 35 पे, 35 टू द 70 डिग्री। और उसके बाद आ रहा है कंप्यूटर के अंदर उसके मार्क्स आए हैं 90 अपॉन में 540 इनटू 360, जीरो से जीरो कट से 18 की जगह से 2 पे, 3 पे, 30 पे, 30 टू द 60 डिग्री। पहला एंटर आया आपके पास 80 डिग्री, दूसरा आया 50 डिग्री, तीसरा आया 100 डिग्री, चौथा आया 70 डिग्री और पांचवा आया 60 डिग्री। अगर आप इनको प्लस करके देखोगे तो इनका सम आएगा 360 डिग्री। और हमें पता है कि एक सर्कल में जब एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री का एंगल होता है। अब एक पाई चार्ट बनाया नहीं जा सकता, पहला स्टेप था टोटल करना, दूसरा स्टेप था सेंट्रल लाइन में फाइंड करना। बाद आपको एक सर्किल बनाना है जो भी आपका मन करे, जितनी भी रेडियस का, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, जैसा आपको इच्छा हो। ये उसका सेंटर, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप एंगल बनाओ 80 डिग्री का, ये लो, ये आपने एंगल बना लिया 80 डिग्री का। किसके लिए? ये साइज के। अब आप अपना प्रोटेक्टर जो डी है वो यहां पे रखोगे और उसके बाद एंगल बनाओगे 50 का, बहुत बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, ये आया हिंदी। उसके बाद एंगल बनाना है 130 का, सॉरी 100 का, और 100 का एंगल बना दो तो डी यहाँ पर रखोगे अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा। ये 100 का एंगल बनाना आपने कुछ इस तरीके से, उसके बाद 70 का और उसके बाद 60 का, ये बन गया 70 का और ये बन गया 60 का। 60 वाले का नाम है कंप्यूटर, 70 वाले का नाम है इंग्लिश और 100 वाले का नाम है। सबसे बड़ा एंगल किसका है? मैथ का। सबसे ज्यादा नंबर किसमें आए होंगे? मैथ में आए होंगे। ऐसा कोई भी अनपढ़ आदमी, इलिटरेट पर्सन बता सकता है कि जिसका ग्राफ बड़ा होगा, जिसका सर्कल एरिया बड़ा होगा, जो जिसका जो मतलब जो ये है पार्ट है बड़ा होगा, वो क्या नाम है, वो सबसे बढ़िया होगा, मतलब उसमें ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, जो भी डाटा होगा वो चीज के लिए बढ़िया होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, उसमें भी आपको, उसमें आपको बार ग्राफ बनाना है, और बार ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको 17.1 के अंदर सिखाया है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 360। देखो एक विंटर सीजन है, एक रेनी सीजन है, एक समर सीजन है। 360 लोगों से पूछा गया कि आपको कौन कौन से जो सीजन पसंद है, तो 150 लोगों का वोट आया कि उन्हें विंटर सीजन पसंद है, 120 लोगों का वोट आया कि उन्हें रेनी सीजन पसंद है, और 90 लोगों को पसंद आया कि समर सीजन पसंद है। विच सीजन गॉट मोस्ट ऑफ द वोट, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? विंटर को मिले। सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, अब इनके लिए सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले निकालते हैं विंटर के लिए, विंटर को मिले 150 वोट, टोटल थे 360 वोट, इंटू में 360 डिग्री कैंसिल हो गया, 150 डिग्री का एंगल बन गया। समर के लिए 90 अपॉन में 360 इंटू 360 90 डिग्री, रेने के लिए 120 अपॉन 360 इंटू 360 120 डिग्री। कंस्ट्रक्ट पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन, तो ये एक हम पाई चार्ट बना लिया, उसके अंदर रेडियस लगा दी। सबसे पहला एंगल बना आपके 150 का, ये लो जी, ये बना दो 150 का, किसके लिए? विंटर के लिए। उसके बाद बना आपको 90 का, ये लो, ये बना दिया 90 का, किसके लिए? समर के लिए। और ये बचा कौन सा? रेने का। चाहे पहले रेने का बना दो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले रेने का बना दो, तो पहले रेने का बना दो 120 का, ये 120 का बन गया रेने का।
पाई चार्ट बनाना है, टोटल आपको गिवन है, सीधा सेंट्रल एंगल फाइंड करो, सर्किल बना के फाइंड कर सकते हो। फिफ्थ में भी पाई चार्ट बनाना है, सिक्स्थ में भी पाई चार्ट बनाना है, सेवन्थ। ये होटल हैज फोर कैटेगरीज ऑफ रूम, बेसिक रूम 50, सुपीरियर रूम 40, डिलक्स रूम 30 एंड फैमिली रूम 60। पाई चार्ट बनाना है आपको, देखो फोर ऑब्जर्वेशन गिवन है, एक 50 हो गया, एक 40 हो गया, एक 30 हो गया, 60 हो गया, प्लस कर लेंगे इनको, 5 + 4 = 9 + 3 = 12 + 6 = 180। तो टोटल जाएगा 180 आ गया। उसके लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे और सेंट्रल एंगल निकालने के बाद पाई चार्ट बना देंगे। एट क्वेश्चन आपको पाई चार्ट गिवन है और इनके लिए परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम आपको देखो, 60 डिग्री देखो आपको दे रखा है। टोटल जो है वो क्या है, द पाई चार्ट गिव अलोंगसाइड शो द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन डिफरेंट थिंग्स, फाइंड द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम बाय रीडिंग द पाई चार्ट। कौन कौन से एंगल दे रखे हैं देखो, 60, 50, 40 पाई चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सपेंडिचर गिवन है कि एक फैमिली का कितना खर्चा हुआ है और हमें उसके लिए फाइंड करना है कि उसके कितने परसेंटेज है। तो अब इन चीजों को हम करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन है, रेंट के लिए है, उसके बाद आपको 17.3 के अंदर क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम का मतलब क्या है, देखो हमने बनाया पहले बार ग्राफ बनाया, फिर डबल बार ग्राफ बनाया, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के बीच में हम गैप रखते थे। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर क्या होगा, साफ की साफ बंद रहेगा, मतलब उसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई गैप नहीं आएगा इनके बीच में, तो कैसे बनेगा ये ग्राफ, अभी मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 40 स्टूडेंट गिवन बिलो, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद एप्रोप्रिएट स्केल। अब इसके लिए आपको देखो पहले क्या कर सकते, पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। ये आपने 7th क्लास के अंदर करा होगा, 6th क्लास के अंदर, बाकी देखो। देखो इसके अंदर जो डाटा है मैक्सिमम तो मैक्सिमम डिजिट जो आ रही है 15 तक आ रही है। तो अपने क्लास इंटरवल कैसे चूज करते हैं कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। अब आप इधर काउंटिंग करो कि 0 to 5 to 15 कितने हो गए, इसमें 5 काउंट नहीं करना, 4 तक करना। इसमें 5 की टाइप में तो 5 काउंट करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 नहीं करना, इसमें 10 से लेके 15 तक करना है। अगर आप इसमें 15 काउंट नहीं करोगे, मतलब 15 अगली बार में जाएगा, तो 15 टू 20 तक अपने क्लास में 0 से 4 का भी कर सकते हैं आप, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 6, जैसा आप भी कर सकते हैं। काउंट करके करना पड़ेगा। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करना चाहता हूं, उसमें देखो आपको क्लास इंटरवल बना के दिया हुआ है। अब आपको क्लास बनाना है, देखिए
स्क्रोल फ्री साइकिल या हॉरिजॉन्टल हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया जीरो, थोड़ा सा मैं जिगजैग बना के इधर से शुरू करता हूँ 1200 से, 1200 और एक बॉक्स को मैं गैप देता हूँ 300 का, या मैं ऐसे शुरू करता हूँ, देखो कैसे शुरू करता हूँ, ये 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3000, 3000। और यहाँ पे जो इधर मैं गैप ले रहा हूँ वो 10 का ले रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो पहला आपके पास 1200 से 1500 तक डिजिट क्या है, नंबर ऑफ स्कूल है 70 थी, तो आपको जाना पड़ेगा 70। उसके बाद 1500 से लेके 1800 तक है 50 भी जाना नहीं है, 1800 से 2000 तक है 100। देखो इसमें कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे मतलब का नाम है शेडेड है, सारे के सारे रेक्टेंगल जो है वो एक दूसरे से अटैच है, कहीं पे कोई भी गैप नहीं। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना है, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो आपको है गिवन क्या है, हाँ जी थर्ड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही बनाना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या करना है कि आंसर लेने हैं इधर से, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द अबव हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर हमें क्या पता चल रहा है, एज ग्रुप का पता चल रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन पता चल रहे हैं और उनकी एज ग्रुप का पता चल रहा है। बट इज द एज ग्रुप इन विच द नंबर ऑफ स्पोर्ट पर्सन इज हाईएस्ट, सबसे बड़ा रेक्टेंगल किसका है, 30 से 35, 30 से 35 एज ग्रुप वाले ज्यादा स्पोर्ट्समैन हैं, राइट। एज ग्रुप इन विच द नंबर ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन द लिस्ट, सबसे कम किसके, देखो 20 से 25 और 25 से 30 वाले सबसे कम है, मतलब 20 से 30 कह सकते हैं। क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, जितनी भी क्लासेस बनेंगी उनके क्लास मार्क्स क्या आएंगे, क्लास मार्क्स अब कैसे फाइंड करते हैं, देखो 20 से 30 को एक क्लास है, तो 20 उसका लोअर लिमिट होता है, 30 उसका अपर लिमिट होता है। अब क्लास मार्क्स कैसे आता है, क्लास मार्क्स हम फाइंड करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अगर लोअर लिमिट 20 अपर लिमिट 30 तो डिवाइड करके 2 से आएगा 25। अब इसकी क्लास बनेगी कैसे, कैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहला रेक्टेंगल है 10 से 15 का, दूसरा है 15 से 20 का, तीसरा है 20 से 25 का, अगला 25 से 30 का, नेक्स्ट 30 से 35 का, अगला 35 से 40 का। इन सब के लिए क्लास मार्क्स निकालने का निकालने का तरीका क्या रहेगा, ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है, बार बार आपको रीड करके आंसर देना आपको, कोई भी अगर आपको डाउट आता तो आप पूछ लेना, सॉल्यूशन आपको सेंड कर दिया जाएगा, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हो, ठीक है, बाय, थैंक यू।